हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हम सभी, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि गाइस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फाइल को डिलीट करना नहीं जानते अच्छे तरीके से। एक्चुअली वहाँ पर डिलीट करने का दो कंडीशन होता है, एक परमानेंटली डिलीट होता है और एक होता है टेम्परली डिलीट। तो ये दो चीज़ों जो है आप लोग को समझना कंपलसरी है। तो जो डिलीट करना फाइल को नहीं जानते तो वो वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत पहले स्टार्टिंग जब मैंने करा था तब मैंने इसको बताया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं बता पाया था उस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा और वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर देखिए, यहां पे हम एक चीज और दिखा देते हैं। यहां पे एक है रिसाइकल बिन, ठीक है। इसे आप देख लीजिए, आपके हर जो विंडोज पीसी है उसमें ये अवेलेबल होगा रिसाइकल बिन, ठीक है। ये किस लिए रहता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक कोई फाइल बना लेता हूँ या फिर फोल्डर, ठीक है। चलिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं न्यू, ठीक है। एक न्यू नाम का फोल्डर बनाए हैं और एक बनाते हैं ओल्ड, ठीक है। न्यू और एक ओल्ड नाम का फोल्डर बनाए हैं। जैसे कि हम इस पर जैसे डिलीट करना करा डिलीट किसी भी फाइल को करना या फोल्डर को, जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को डिलीट और इंस्टॉल करने और अनइंस्टॉलिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फाइल को परमानेंटली डिलीट और टेम्पररी डिलीट के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे न्यू जो है हम इसे टेम्पररी डिलीट करना चाहते हैं। टेम्पररी डिलीट करने का मतलब यह हुआ गाइस कि हम उसे कभी भी हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे राइट लेते हैं, ठीक है, राइट लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक डिलीट का ऑप्शन देगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक चीज हो गया है, जैसे यहाँ पे डिलीट किए, ये तो डिलीट हो गया है, लेकिन ये क्या परमानेंटली डिलीट हुआ या फिर टेम्पररी डिलीट हुआ, यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज शो नहीं किया। तो ये रीजन कहाँ से हो सकता है, ठीक है, ये भी समझने वाली बात है कि ये रीजन कहाँ से हो सकता है। तो आपको सिंपली सी करना कुछ नहीं, अगर आप भी फाइल को डिलीट कर रहे हैं और वो एकदम से डिलीट हो जा रहा है, कोई मैसेज नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई वार्निंग मैसेज नहीं शो कर रहा है, तो आपको ऐसा वार्निंग मैसेज शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो रिसाइकल बिन है इस पर आप राइट लीजिए। राइट लेने के बाद अब इसके सीधे प्रॉपर्टीज में चले जाइए, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कस्टम साइज क्या हुआ है और यहाँ पे साइज दिया हुआ है, जो साइज किस में ले रहा है, फॉर्मेट में, एमबी फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल्स इमिडिएटली व्हेन डिलीटेड, ठीक है। ये अभी सेलेक्ट नहीं है, इसका भी काम बताएंगे। यहाँ पे है डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग, जी हाँ गाइस, जो हमने अभी करा डिलीट करा वो डिलीट तो हो गया लेकिन कोई एक मैसेज नहीं दिया, वो कारण यही है कि यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो अब देखिए, हम इस ओल्ड फाइल को डिलीट करते हैं राइट लेके और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, मतलब ये जो ओल्ड नाम का फोल्डर है इसे आप मूव करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से हटाना चाहते हैं जहाँ से आप डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप कहाँ लेके चला जाएगा, वो फिर वापस रिसाइकल बिन में लेके चला जाएगा। तो ये कब होगा, जब आप यहाँ से इसके मैसेज को रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यस कह रहा है, तो अगर डिलीट करना है तो यस करेंगे, अगर नहीं करना है तो नो करेंगे। तो हम यस कर देते हैं, तो ये भी चला गया। तो अब ये जो ओल्ड और न्यू दो फोल्डर थे वो मिलेंगे हमें रिसाइकल बिन में। तो हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो आप देखेंगे न्यू और ओल्ड दोनों यहाँ पे मौजूद है, दोनों को हमने टेम्पररली डिलीट किया था गाइस, ठीक है, तभी ये दोनों यहाँ पे मौजूद है। अब बात रहती है कि हम इसे वापस कैसे लाएंगे, तो वापस लाने के पीछे आप यहाँ से कट पेस्ट भी कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ से राइट लेके जिस भी फोल्डर या फाइल को लाना होगा उस पर राइट ले लीजिए और रीस्टोर पे चले जाइए, रीस्टोर पे क्लिक कीजिए। वो देखिए यहाँ से हट गया और वो आ गया होगा डेस्कटॉप पे, आ गया ना। इसे भी सेम वैसे ही करेंगे, राइट लेके अरे सेलेक्ट करके राइट लेके रीस्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों फाइल आ गया है,
तो हमने यहाँ पे टेम्पररली डिलीट करके बताया, ठीक है। अब बात रहती है परमानेंटली डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस परमानेंटली डिलीट भी आप लोगों को पता ही होगा, अगर जो पता है उन लोगों को तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो देखिए कैसे करना है परमानेंटली डिलीट। सबसे पहले इसे राइट लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तरीका बता रहा हूँ, सेलेक्ट कर लेना है, राइट लेना है। राइट लेने के बाद आपको जब भी यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिखे, डिलीट करने से पहले शिफ्ट का बटन दबा दीजिए और डिलीट पे क्लिक कीजिए। अब इसका मैसेज देखिए क्या कर रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो आपका जो रिप्लाई रहेगा यस नो, अगर डिलीट करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया। आप यहाँ पे टेम्पररली डिलीट जो है, टेम्पररली डिलीट, परमानेंटली टेम्पररली डिलीट, आप एक बार लेफ्ट बटन सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे परमानेंटली का भी है, अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो उस फाइल को या फोल्डर को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना होगा। शिफ्ट बटन के साथ अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तब यहाँ पे इसका मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। इसका मतलब यहाँ से परमानेंटली मतलब आपके कंप्यूटर से परमानेंटली फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब ये जो है आप रिसाइकल बिन में भी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। चलिए हम इसको यस करते हैं, न्यू नाम का फोल्डर है याद रखिएगा, इसको हम डिलीट करते हैं, यस कर दिए। अब आप रिसाइकल बिन को ओपन करके देखते हैं, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी गाइस देखिए वो फोल्डर नहीं है, क्लियर है, यहाँ पे वो फोल्डर नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे वो फाइल या फोल्डर जो भी था वो यहाँ से कंप्यूटर सिस्टम से इरेज हो गया, मिट गया, डिलीट हो गया। तो ये इसे भी हम कर देते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट और एंटर से यस। तो फ्रेंड्स आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे, आज के इस वीडियो को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ और छूट रहा है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, रिसाइकल बिन का, ठीक है। इसे हम राइट लेके और प्रॉपर्टीज में चलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हमने न्यू वॉल्यूम डी, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी में हमने 2 GB मतलब 200 GB के आसपास इसका डाटा दे रखा है, जो भी डिलीट होगा सारा उसमें जाएगा, खैर ठीक है। यहाँ पे गाइस देखिए मैक्सिमम साइज, अगर हम यहाँ पे डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन करते हैं, इसको करके हमने अप्लाई कर दिया, तो कोई भी फाइल हो आप कैसे भी डिलीट करें वो परमानेंटली डिलीट कर देगा, ठीक है। जैसे हम अभी करके देखते हैं, यहाँ पे डोंट मूव फाइल्स टू रिसाइकल बिन हमने सेलेक्ट कर रखा, इसको अप्लाई करके हमने ओके कर दिया, ठीक है। और हम एक फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं हम, चलिए बनाते हैं कोई एक नया फोल्डर, न्यू नाम दिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट लेते हैं, राइट लेने के बाद यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है हम उसे सेलेक्ट करते हैं। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो आप अपने अनुसार इसको यस कर दीजिए या नो कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, अब इसमें से कुछ बाकी नहीं रहा, डिलीट को कैसे करना है और फाइल को कब कैसे पॉइंट पे डिलीट करना है वो भी मैं क्लियर बता दिया। अगर कोई डिलीटेड का मैसेज बॉक्स नहीं आ रहा है, कोई वार्निंग मैसेज नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे लाना है वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। एक चीज़ इसमें आता है साइज, तो साइज का है आप लोग अपने अनुसार जो है इसको कस्टम साइज कर सकते हैं, मतलब इसके रिसाइकल बिन के साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम 1 GB करेंगे तो 1 GB तक ही वो डेटा को स्टोर करेगा, बाकी 1.1 GB का भी डाटा रहे, 1.1 GB का भी डेटा रहेगा तो उसे परमानेंटली डिलीट कर देगा, ठीक है, परमानेंटली डिलीट का मैसेज दे देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई फाइल डिलीट कर रहे हो तो कस्टम साइज चेक कर लीजिएगा रिसाइकल बिन का और उसे साइज बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आज का जो भी वीडियो जैसा भी लगा हो तो वो आप अपने अनुसार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।